बच्चों, आज के विज्ञान के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम नया पाठ 8 मानव अस्थि तंत्र तथा त्वचा, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। मानव अस्थि तंत्र, अस्थि मतलब आप सभी जानते हैं हड्डियां, तो हड्डियां कभी कभी खेलते समय, चलते समय कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, हमारे हाथ और पैर की हड्डियों में चोट आ जाती है और हमारा अस्थि भंग हो जाता है। तो आइए देखिए, इसे ही हम अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि का अर्थ है हड्डी। तो जब हड्डी हमारी टूट जाती है, उस समय बच्चों हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर देखता है हड्डी टूटी हुई है या मुड़ी हुई है, तब वह हमें एक्सरे या हिंदी में हम कहते हैं 6 किरणें निकालने के लिए कहता है कि बच्चों एक्सरे निकाल के आइए, देखेंगे। एक्सरे में पता लगेगा कि क्या हड्डी टूटी है या नहीं टूटी। एक्सरे में देखने के बाद उसका इलाज वो प्लास्टर लगाता है। प्लास्टर लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो हड्डियां हमारी टूट जाती है। तो ये जो एक्सरे मशीन है, इसकी खोज किसने किया, आइए देखते हैं। 6 किरण चित्रण की खोज रुंटगेन द्वारा की गई। इस वैज्ञानिक का नाम क्या है, रुंटगेन। तो बच्चों, आप सभी ने जाना कि किस तरह से हड्डियां टूटने पर एक्सरे कराया जाता है और उसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की उसका नाम है रुंटगेन। बच्चों आइए, हमको इस पार्ट में हड्डियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि मानव की जो हड्डियां हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कहां कहां पर किस प्रकार की हड्डियां हैं, उन सभी का हमको आज अध्ययन करेंगे। तो मानव अस्थि तंत्र क्या होता है देखते हैं। शरीर को निश्चित आकार देकर आधार देने वाले और शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की सुरक्षा करने वाले तंत्र को अस्थि तंत्र कहते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में जो हड्डियां किस प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। कुछ हड्डियां चपटी होती है, कुछ हड्डियां छोटी होती है, कुछ हड्डियां लंबी होती है और कुछ अनियमित आकार होती है। तो आज हड्डियों के जो प्रकार है, इसका विश्लेषण हम आकृति के माध्यम से देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम आकृति के माध्यम से हड्डियां कैसे टूटती है और हड्डियों के कितने प्रकार हैं, इन सबका अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, आप ये जो आकृति देख रहे हैं, बालक खेलते समय गिर गया है, उसके पैरों में चोट आ गई है, पैर की हड्डियां टूटने से या मुड़ने से वो बालक तकलीफ में रो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अस्थि भंग से पीड़ित बालक का चित्र। अब इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आइए अगले चित्र में देखिए, इस बालक के डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां से उसको एक्सरे निकालने के लिए कहा गया। वो डॉक्टर के पास जाता है, एक्सरे डॉक्टर के पास, वहां से अपने पैरों का एक्सरे निकालता है। एक्सरे आप देख रहे हैं, एक्सरे में क्या दिखाई दे रहा है, उसके पैरों की हड्डी में कहां टूटा हुआ है, मतलब इससे उसे पता लगता है कि यहां की हड्डी टूटी हुई है। आप देख रहे हैं, तो किससे हमें पता चला बच्चों, एक्सरे मशीन से जो एक्सरा निकाला गया, उससे टूटी हुई हड्डी की जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अब डॉक्टर को पता लग गया यहां की हड्डी टूटी हुई है, तो क्या करेगा बच्चों, अगली आकृति देखिए बच्चों, जिस पैर की हड्डी टूटी हुई थी, अब वहां पर उसने प्लास्टर लगाया है। अब हमें एक्स किरणें, अच्छा किरण चित्रण द्वारा हमें क्या जानकारी मिली कि हड्डी निश्चित रूप से कहां टूटी हुई है,
और इससे उस बच्चे का सही उपचार करना संभव होता है। बच्चों अब हम हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर की सभी हड्डियां का आकार एक समान नहीं होता है, प्रत्येक हड्डी एक दूसरे से भिन्न होती है, सभी हड्डियों को मिलाकर एक कंकाल बनता है और कंकाल के कारण ही हमारे शरीर को आकार प्राप्त होता है। शरीर की सभी हड्डियां तथा उपास्थियों को मिलाकर अस्थि तंत्र की रचना होती है। हड्डियों की रचना कठोर होती है, लचीली नहीं होती है। अब पहले हड्डियां किससे बनी होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। हड्डियां मुख्य रूप से दो घटकों से बनी होती है, अस्थि कोशिका जैविक होती है जबकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, खनिज तथा अजैविक पदार्थों से हड्डियां बनती है और कैल्शियम के कारण ही हमारे हड्डियों में मजबूती आती है। आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर के आकार के अनुसार जो हड्डियों के चार प्रकार है, एक पहली हड्डी हम देखें चपटी हड्डी, आप देख रहे हैं चपटी हड्डी। अब ये शरीर के किस अंग में पाई जाती है हम आगे देखेंगे। अगली हड्डी देखिए पहले आप बच्चों, अगली हड्डियां देख रहे हैं छोटी छोटी हड्डियां हैं, आप देख के पहचान में आ रहे हैं आपको कहाँ की हड्डियां हैं, उंगलियों की हड्डियां है पता लग रहा है। इसको हम आगे पूर्णतः का अध्ययन करेंगे कि छोटी हड्डियां हमारे शरीर में हाथ और पैर की उंगलियों में पाई जाती है, कान में भी छोटी हड्डी पाई जाती है। इसके बाद अगली हड्डी है अनियमित हड्डियां, पर आप जो देख रहे हैं हड्डियों का आकार एक जैसा नहीं है, ये हमारे शरीर के आकार के अनुसार होता है। जो ये जांग की हड्डियां होती है हमारी वो अनियमिताकार होती है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हड्डियों की जो रचना है अनियमिताकार हड्डी है। चौथी हड्डी देखिए, देख रहे हैं बच्चों हमारे शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, पैर। पैर की हड्डियां लंबी होती है, जितना बड़ा लंबा हमारा पैर होगा उतनी हमारी लंबाई होगी, तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बच्चों, पैर की हड्डियां। और जो हमारे पैर की हड्डी है जांघों की हड्डी, ये सबसे लंबी हड्डी होती है और इन सभी हड्डियों से निर्मित हमारा एक शरीर है जिसको कहते हैं मानव कंकाल। अब तो आपने देखा हड्डियों के मुख्यतः कितने प्रकार है, चार प्रकार, चपटी हड्डियां, छोटी हड्डियां, अनियमित हड्डियां और लंबी हड्डियां। बच्चों जी इन सब हड्डियों से मिलाकर हमारा मानव शरीर बना हुआ है और उसको हम क्या कहते हैं, मानव कंकाल। अब उसके बारे में हम अध्ययन आगे देखेंगे। इसके पहले हम कुछ प्राणियों की अस्थि रचना, ये तो मानव की हड्डी है, मानव की हड्डियां किस प्रकार से होती है, कुछ अन्य प्राणियों की शारीरिक हड्डियों की रचना हम देखते हैं। आइए आगे देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर विभिन्न प्राणियों के कंकाल हैं, आप देख के पहचान रहे हैं। एक पहला कंकाल आप जान रहे हैं, बकरी, डायनासोर, मछली, सांप, इन सभी प्राणियों के कंकाल यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी हड्डियां कैसे होती है आप देख रहे हैं। लेकिन हमको इस पाठ में मानव कंकाल का अध्ययन करना है, तो आइए मानव कंकाल कैसा होता है उसको देखते हैं। आप देख रहे हैं ये मानव अस्थि तंत्र के भाग, मानव की जो हड्डियां होती है उनको जुड़ने पर ये हमारा शरीर कंकाल, जिसको बच्चों आप देखो तो डर जाओगे भूत आ गया, तो ये मानव कंकाल है। इसमें किस तरह से इसका किन भागों में बांटा गया है इसको देखेंगे बच्चों। इसको दो भागों में बांटा गया है, अक्षी कंकाल और उपांगी कंकाल। अब अक्षी कंकाल क्या है, अक्षी कंकाल में बच्चों करोटी ऊपर का भाग देख रहे हैं जिसको कहते हैं आप टकला सर, उसके बाद वक्ष पंजक छाती, मेरुदंड, ये तीन चीज देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं, करोटी, वक्ष पंजर छाती हमारा और ये मेरुदंड बीच का भाग, इसको हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। अब इसके दोनों ओर हाथ की उंगलियां है, पैर की उंगलियां, इसको हम कहते हैं उपांगी कंकाल।
तो बच्चों मानव अस्थि तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल में करोटी, वचपंजर और मेरुदंड इसका समावेश किया गया है, और उपांगी कंकाल में हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं इनका समावेश किया गया है। आइए क्रमबद्ध हम करोटी क्या है, वक्षपंजर क्या है, इसकी हड्डियां कैसे होती है उसको देखते हैं। अगली आकृति में देखिए, हमारे शरीर का विकास होते समय हड्डियों की लंबाई और आकार बढ़ता रहता है। आयु के अनुसार छोटे बच्चों की हड्डियों की लंबाई तथा आकार में अंतर दिखाई देता है, परंतु शरीर का विकास एक विशिष्ट सीमा तक ही होता है। ऊंचे व्यक्तियों के पैरों की हड्डियों की लंबाई अधिक होती है। आइए हम करोटी जो अक्षीय कंकाल है इसका प्रथम भाग जो करोटी है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं सिर और चेहरे, ये जो चेहरा देख रहे हैं आप और सर, इन सभी हड्डियों के मेल से करोटी बनती है। सर और चेहरे की हड्डियों को हमने क्या कहा, करोटी। इसकी हड्डियां आकार में सपाट, मजबूत हड्डी हमारी और कैसी है, सपाट। सर पे हम गिरने पे हमें चोट नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है, क्योंकि इस भाग की हड्डी बहुत मजबूत होती है। सिर में 8 और चेहरे में 14 प्रकार की पूरी करोटी से कुल 22 हड्डियां होती है। हमारे सर में कितनी हड्डियां होती है, 8 और चेहरे पर 14। इस प्रकार पूरे करोटी में कुल कितनी हड्डियां होती है, 22। केवल निचले जबड़े की हड्डी को छोड़कर, निचला जबड़ा आप देख रहे हैं, इस हड्डी को छोड़कर अन्य हड्डियों में कोई हलचल नहीं होती है। करोटी हमारे शरीर के मस्तिष्क का संरक्षण करने का काम करती है। हमारा जो शरीर का मुख्य अंग मस्तिष्क, जो हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों, इस करोटी की है। अब अगले भाग को अध्ययन करते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं ये छाती है आपकी, छाती जानते ही हैं आप, इसको हम कहते हैं वक्ष। वक्ष में स्थित पिंजरे जैसी रचना वाले भाग को हम वक्ष पंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके अंदर आप जानते हैं क्या होता है, हमारा हृदय। वक्ष में एक खड़ी पर जो चपटी हड्डी है, ये देख रहे हैं आप इसकी हड्डी चपटी, जिसको हम क्या कहते हैं, पुरोस्थ। क्या कहते हैं, पुरोस्थ। इसमें आड़ी और चपटी फसलियों की 12 जोड़ियां जुड़ी होती है। कुल कितनी जोड़ियां होती है, 12 जोड़ी। कितनी जोड़ियां होती है, और इन 25 हड्डियों को मिलाकर, और एक पुरोस्थ की हड्डी 12 12 24 और एक 25, इन हड्डी इस प्रकार 25 हड्डियों को मिलाकर हमारा वक्ष पंजर जिसे हम कहते हैं छाती बनता है। और इसका पिछले भाग में क्या होता है, मेरुदंड होता है। अब मेरुदंड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आइए आइए देखते हैं अब हम मेरुदंड के बारे में, कशेरुकाओं की हड्डियों के बारे में देखेंगे। ताले के आकार वाली हड्डियों तथा एक दूसरे से खड़ी स्थिति में सीधे जुड़ने से मेरुदंड तैयार होता है। आप ये देख रहे हैं मेरुदंड है, मेरुदंड हम सीधे जो खड़े होते हैं इस मेरुदंड के कारण ही खड़े होते हैं। अगर हम मेरुदंड में कुछ दोष आ जाए तो हम सीधे तन कर चल नहीं सकते हैं। तो मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां हैं बच्चों, गिन सकते हैं क्या आप, नहीं गिन सकते। मैं बताता हूँ 33 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं, मेरुदंड में कुल 33 हड्डियां होती है। इनमें प्रत्येक हड्डी को कशेरुका कहते हैं। ये सभी हड्डियां लचीली होने के साथ साथ एक पर एक इस प्रकार जुड़ी होती है। मेरुदंड मस्तिष्क से निकलने वाले मेरुरज्जु का संरक्षण करता है। ये मेरुदंड का काम क्या है, यहाँ पर हमारा मस्तिष्क में मेरुरज्जु होता है, दिमाग, उसको हम कहते हैं छोटा दिमाग, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, इस मेरुदंड की है। यदि हमारे शरीर में मेरुदंड न हुआ तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, तनकर हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे शरीर में मेरुदंड का होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम तनकर सीधे चलना है तो मेरुदंड की हड्डियां एकदम हमारी कठोर होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं उपांगी कंकाल के बारे में। जो हमने देखा मानव हस्तंत्र के अक्षीय कंकाल, करोटी, वक्षपंजर, मेरुदंड,
उपांगी कंकाल में हमने क्या कहा था, हाथ और पैर। हमारे शरीर में कितने हाथ और पैर होते हैं? दो हाथ होते हैं और दो पैर होते हैं। हाथों और पैर में विभिन्न भागों में अनेक हड्डियां होती है और एक दूसरे से संधियों से जुड़ी हुई होती है। बच्चों, इस प्रकार हम मानव अस्थितंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देने जा रहा हूं, क्या तुम जानते हो? आइए देखिए, हमारे शरीर के दोनों कानों में तीन तीन हड्डियां होती है। आप अपना कान देख रहे हैं बच्चों, कान में कितनी हड्डियां हैं? तीन तीन हड्डियां हैं। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, उनमें से रकाब हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हमारे शरीर में एक छोटी सी हड्डी है, उसको कहते हैं रकाब। ये चावल के दाने की जितना होती है और इसका आकार रकाब जैसा होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तथा मजबूत हड्डी हमारे जांघ में होती है। आप देख रहे हो, अपने जांघ देख रहे हो, जांघ बड़ा मजबूत होता है और सबसे लंबा होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी जांघ में होती है, उसको कहते हैं जंघास्थि। जिसकी जंघा जितनी मजबूत होगी उसका शरीर उतना मजबूत होगा। तो जंघास्थि में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। रकाब चावल की जितने छोटी हड्डी होती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमें ये जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आपने देखा मानव अस्थितंत्र के प्रकार। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, कैसी होती है, अगले क्लास में हम संधि क्या होता है, हमारी त्वचा क्या होती है, त्वचा के कार्य क्या होते हैं, इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के क्लास बच्चों ये समाप्त करते हैं।